युवा कल्याण विभाग की ओर से पिथौरागढ़ जिले के सभी विकास खंडों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिला युवा कल्याण अधिकारी दीपक भट्ट ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राजकीय इंटर कॉलेज रायगढ़ में खेल मैदान में खेलों का आयोजन किया, जिसमें एथलीट, खो खो, कबड्डी सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रधानाचार्य भगवती प्रसाद पंत ने किया। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को देखते हुए महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ रुद्रपुर में पुलिस की ओर से गलत व्यवहार पर प्रदेश किसान मोर्चा सचिव रेखा भंडारी के नेतृत्व में महिलाओं और स्कूली छात्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हाथों में तख्ती लेकर महिलाओं का उत्पीड़न बंद करो के नारे लगाए, साथ ही प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा भंडारी ने कहा कि राज्य के अंदर महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन राज्य सरकार महिला अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इसलिए किया है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी हैं उनके साथ कल बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया, क्योंकि जो उधम सिंह नगर में नर्स के साथ बलात्कार हुआ, फिर उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया, और ये घटनाएं लगातार पूरे प्रदेश में पूरे देश में चली आ रही हैं और उसको सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और एक महिला अध्यक्ष ने जब उसके खिलाफ आवाज उठाई, वो देहरादून से वहां तक उसको बात करने के लिए आई थी, लेकिन कोई भी प्रशासन उनसे मिला नहीं, और प्लस उनको सारे पुलिसकर्मियों ने, जेंट्स पुलिसकर्मियों ने उनको धक्का मुक्की करके उनको सुई चुभे और उनको डंडों से मारपीट की, जिससे कि वो बेहोश तक हो गई थी। तो धामी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और जो लोगों ने ये कृत्य किया है उनको सस्पेंड करें। पिथौरागढ़ से संवाद 365 के लिए प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।